नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। ये एस्कॉर्ट ट्रैक्टर है, 355 1996 का मॉडल है और ये अरब सिंह जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं, जो इनसे बात करते हैं। नमस्कार अरब सिंह जी। नमस्कार जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो और अपने बारे में बताओ और फिर ट्रैक्टर के बारे में बताओ। हाँ जी, मैं गोरगढ़ गाँव से हूँ। हाँ जी। मेरे पिता नाम मुख्तियार सिंह, उनका लड़का हूँ मैं। ये ट्रैक्टर को 6 साल हो गए मेरे से। अच्छा, आप 6 साल से ट्रैक्टर चला रहे हो। हाँ, मैं दूसरी जगह मेरे पास आया ये ट्रैक्टर। आप सेकंड ओनर हो इसके। हाँ जी। हाँ। मेरे को इसमें बहुत मजा आ रहा है चलाने में भी। अच्छा। जैसे लोड जैसे मर्जी डालो, रोटावेटर डालो। कितने एचपी का है ट्रैक्टर? 55 HP का जी। अच्छा, 55 HP में ट्रैक्टर आया, 355। हाँ जी। और 96 मॉडल है। हाँ जी। अच्छा सर, तो आज तक मैंने तो इसमें जैसे इंजन है इसका, बिल्कुल ऑयल नहीं घटाया इसने कभी भी। पूरा काम लेता हूँ मैं इससे, पूरा लोड का भी काम है मेरा, अपना भी काम है। तो जो भी है इसमें, मतलब जो कंडीशन है इसकी ओरिजिनल है। अच्छा, रंग है इस ट्रैक्टर में। जैसे आप ये जो ट्रैक्टर लेके आए हो, क्या सोच के ले गए भाई? इतना पुराना 96 का मॉडल जैसे आप लेके आए हो, आज इस ट्रैक्टर में कम से कम 24 साल हो गए। तो मैंने तो इस करके लिया जी, इसमें पावर अच्छी है। अच्छा अच्छा। और एक पुरानी कंपनी है बहुत। अच्छा, ट्रस्टेड है, मतलब विश्वास पत्र है। विश्वास, जैसे कि जोर लगाने में मतलब किसी से कम नहीं है, जो आज भी आ रहे हैं 55 HP उनके बराबर मुकाबले में है। 8 की एरो डालो, 9 की डालो, 10 की डालो, रोटावेटर 8 फुटा डालो, 7 फुटा डालो, उसके में भी कोई प्रभाव। कितने चक्कर में है ये ट्रैक्टर? 1000 HP में, उसमें 1000 तक राउंड में है। पीटीओ पावर इसकी 1000 है। अच्छा, 1000 चक्करों में है ये ट्रैक्टर। थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम इसमें ये है, अभी मैंने मेरा सांद अपना चलाना पड़ेगा इसमें, पीटीओ वाला किसी और का नहीं चलता। अच्छा अच्छा, मतलब किसी और के, सबको और के तो 540 में है। अच्छा, इसमें ये डबल चक्कर बना दे। हाँ, ये डबल चक्कर बना, ज्यादा स्पीड कर दे, चला तो देगा उसको थोड़ा हल्का रख के, थोड़ा सा हल्का रखे, फिर थोड़ी स्पीड ज्यादा कर लो, बात वो वही आ जाएगी। हाँ। फिर चलो, तो एक अलग चीज है। और कोई खास ट्रैक्टर में ऐसा क्या क्या खासियत चीज़, खास चीजें हैं जी ट्रैक्टर? इसका जो ये है ना अपना लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट जैक उठाने का सिस्टम। हाँ। अलग से दे रखा है कंपनी ने शुरू से। अच्छा, ट्रॉली का जो सिस्टम है ये अलग से दे रखा है, अलग से दे रखा है ये लिफ्ट ट्रॉली के लिए। और ये जो आज कंपनी दे रही है ना, इससे 96 में दे रखा पहले ही। अच्छा, 96 में डबल पंप है इसके अंदर। हाँ, पहले से शुरू से ही। हाँ जी भाई, ट्रॉली वगैरह हाइड्रोलिक कोई भी। और 5 गियर में है ये, पहले 3 में आते थे ये स्कॉट ट्रैक्टर, ये 5 में स्पीड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अच्छा, 5 गियर के साथ में है। हाँ जी, हाँ जी। ये 5 गियर के साथ में। हाँ जी, यानी कि 10+2 है ये। हाँ जी, हाँ जी, 10 आगे के लिए और 2 पीछे के लिए। और लिफ्ट पंप अलग से है इसका, गियर अलग से है। जैसे लिफ्ट लीवर उस टाइम पे तो अलग से आता था, 96 में जो है लिफ्ट लीवर अलग से आता था इसका। और कोई जैसे कुछ किसान भाई जैसे ट्रैक्टर सक्सेस ना होने का क्या कारण रहा होगा इसका? थोड़ा जैसे एक तो डबल क्लच नहीं है ये। अच्छा, डबल क्लच होती तो क्या होता? जैसे लोग इसको पीछे, अब सीधे एक्सल है ना इसमें, रिडक्शन सिस्टम है। अच्छा, इसमें रिडक्शन सिस्टम के साथ में है, इसके कारण थोड़ा सा लोग इससे पीछे हटते भी, कैसे टूट फूट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए ऐसे। अच्छा अच्छा, रिडक्शन सिस्टम में टूट फूट किस चीज की, मतलब की? ऐसा जैसे झटका लगा दे अंदर से, गरारा गुरारे का दंदा बुरजे या कुछ ऐसे है जी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो सही चलाने वाला है ना ड्राइवर, पुराना है इसको। हाँ, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक आने जाने आदमी के लिए थोड़ा सा ये ट्रैक्टर इसलिए पीछे रहा थोड़ा सा, लेकिन इसमें पावर बहुत अच्छी है, चलाने में मजा है इसका। आप बता रहे हो, और पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है? ओरिजिनल है जी, हुक समेत सब, जोग भी कुछ इसके साथ में। अच्छा अच्छा, सारी चीजें साथ की, कमरगार्ड साथ के हैं इसमें, आज तक आज आएगा भी नहीं ऐसे इसके साथ कमरगार्ड। नहीं नहीं, लोहा तो उस टाइम पे देखो वाकई में सॉलिड होता था, और कहीं से कोई जंग भी नहीं लग रहा इसमें भी ट्रैक्टर में। जो इसके मीटर मोटर वगैरह सारे साथ के हैं। अच्छा, ये सारे साथ चलते हैं, बिल्कुल प्रॉपर चल रहे हैं। हाँ। ये तो बिल्कुल नए जैसे हैं जी। स्पीटियो मीटर, स्पीड मीटर है ना इसका। हाँ हाँ, चलता है इसका बिल्कुल। अच्छा, पूरा बिल्कुल नए है एकदम। अच्छा, ये तो डैशबोर्ड भी अलग टाइप का दिया इसमें ट्रैक्टर कंपनी ने दे रखा था, ये चक्का भी साथ का ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सारी चीजें एकदम यूनिक सी लुक में दे रखा है ट्रैक्टर पूरा है, काफी एडवांस ट्रैक्टर निकाला इन्होंने। इंजन के रिलेटेड, इंजन के मामले में कोई कमी आई है अपने? ना जी, इंजन तो बहुत हैवी इंजन है इसका। अच्छा अच्छा, अगर दूसरे ट्रैक्टर 55 HP के है ना। हाँ हाँ, तो ये 55 HP 60 जितना जोर लगा देता है इसका इंजन। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई खास बात बताओ ट्रैक्टर की, जैसे आपने चलाया है अभी तक ये, और भी ट्रैक्टर आपने चलाया है? है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे आप पावर स्टेयरिंग आ रहा है हमारे को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, मैकेनिकल स्टेयरिंग में ऐसी कोई दिक्कत? हाँ, नहीं आती मैकेनिकल। मैंने जो ये डबल रॉड का है, ऐसे जैसे शुरू से कंपनी दे रही है इसको, ड्यूल एक्टिंग वाला है। ठीक 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 ठीक, और एक बार स्टार्ट करके दिखाओगे? न्यूट्रल देख लेना, वॉल लगा लो, वॉल लगा लो। ये है वाई एस्कॉर्ट 355।
अच्छा कोई धुआं नहीं दिखाता। अच्छा अच्छा लोड वगैरह में कोई धुआं नहीं दिखाता, जैसे धुएं मारता है ना ट्रैक्टर। हाँ 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 कोई धुआं नहीं इसका। अच्छा कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा गेड़ा दे दो जैसे मर्जी दे दो इसको, इसने दबना नहीं है। अच्छा अच्छा बड़ा सही है फिर तो ट्रैक्टर, ये 355 उस टाइम वैसे 55 एचपी का ट्रैक्टर है, वैसे ताकत ज़्यादा। आपने बताया वैसे कि ड्यूल क्लच ना होने के कारण ट्रैक्टर थोड़ा सा कह लो पीछे है। अब तो ये बदलेंगे भी तो एक भूता पंगी में बदलेंगे, वैसे बदलने को कोई फायदा नहीं इसका। नहीं बदलने का फायदा है क्या है जी, जैसे ट्रैक्टर आजकल भी यही है, सेम चीजें हैं, डिफरेंशियल लॉक इसमें दे रखे, बल्कि आजकल इसमें आजकल अलग से लीवर देने लगे ट्रॉली का, हाइड्रोलिक उठाने के लिए, उसमें पहले से ही दे रखा है लिफ्ट वगैरह के लिए। और कोई लीकेज वगैरह कहीं कोई लीकेज नहीं, कोई टूट फूट नहीं ट्रैक्टर की। जो इसका जैसे कि है कंपनी ने दे रखा साथ में, पहले तो देख चून के उसके थे, अब ये देख चून का ही कंपनी ने उसी टाइम का दे रखा है इसका ये। अच्छा अच्छा होजिंग निचले वाला। अच्छा अच्छा नीचे की होजिंग सारी उस टाइम की, उसी टाइम का ही सारा स्कूट के इंजन के साथ में ये लोगो वगैरह सारी चीज। अरे अपनी प्लेट है इस पर पूरी, हमने तो इसके इंडिकेटर भी बाढ़ दिए, और तो ब्रेक बत्तियां भी बढ़ती हैं। नहीं देखो कोई चीज संभाल कर रखी जाए, दिल से रखी जाती है सारी चीजें, अपने आप रख लेता है। नए में ब्रेक बत्ती बढ़ेगी तो इसमें भी बढ़ेगी। नहीं देखो जी आपने संभाल कर रखा है ट्रैक्टर इसलिए तो, और जैसे 6 साल से तो आप चला ही रहे ट्रैक्टर को भी, और ये 24 साल पुराना ट्रैक्टर हो गया है। हमने काम बहुत लिया है, ये नहीं है एक शौक ये रख रखा है, शौक तो काम भी। कितने एकड़ जमीन बोई होगी आपने इस ट्रैक्टर से? ऐसा जी मैं 35-40 किलो तो बोई देता हूँ उससे। अच्छा सीजन पे जैसे किराए टाइप में और सारा 35-40 एकड़ जमीन, और रोटावेटर में भी, और जैसे गेहूं निकालने में भी 100 किले के करीब तो उससे निकाल देता है ये, थ्रेसर से ही निकाल देता है 100 किले करीब गेहूं ने। तो मतलब कुल मिलाकर ट्रैक्टर चलता ही रहे सीजन में तो पूरा, वो कटर पानी काटने का है करीब उससे निकल मल्चर। हाँ जी उसमें सही चलता, कोई दिक्कत? माइलेज वगैरह कैसा क्या दे है ये? डीजल कैसा खावा है? बढ़िया खावा है, जिसमें कोई 2 लीटर एवरेज उसमें आवा ये, जैसा लोड डालोगे वैसा डीजल खाएगा तो। अच्छा अच्छा वैसे वो रोड पर चला तो कम लेता है, खाली चला जब बम को तो महसूस नहीं होया जी कभी ना, हमने महसूस किया जो चीज रखी है, तो जो थोड़ा ज्यादा खा भी जाएगा तो उसमें दिक्कत भी कोई नहीं। नहीं देखो दिक्कत भी तो नहीं, का हिसाब लगाओ ना आप, आज 7-8 लाख का ट्रैक्टर लोगे आप 1 मिनट वास्ते, उसके तो 2-2.5 लाख के ब्याज में भी ये ट्रैक्टर चलता रहेगा, मेरा काम करता रहेगा। नहीं बिल्कुल उसके तो ब्याज में ट्रैक्टर चलता रहे और बिल्कुल नए बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू जी, काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ये था वो ट्रैक्टर। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।